उज्जैन के कांग्रेस कार्यालय पर शहर जिला कांग्रेस सेवादल महिला कांग्रेस सहित कांग्रेस के तमाम विधायक जिला अध्यक्ष की मौजूदगी में बैठक आयोजित की गई, जहां पर बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। कांग्रेस सेवादल की इस बैठक के दौरान कांग्रेस के शहर अध्यक्ष रवि भदौरिया, सेवादल शहर अध्यक्ष मनीष गोमे, घटिया के विधायक रामलाल मालवी, तराना के विधायक महेश परमार, जिला अध्यक्ष कमल पटेल सहित कांग्रेस के पदाधिकारी अध्यक्ष सुरेंद्र मरमट मौजूदगी में बैठक आयोजित की गई, जहां पर बड़ी संख्या में उज्जैन जिले के तमाम कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकारिणी मेंबर मौजूद रहे। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। आज शहर एवं जिला ग्रामीण कांग्रेस सेवादल के संयुक्त तत्वाधान में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य आने वाले दिनों में नगरीय निकाय, नगर परिषद, नगर निगम के चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे सेवादल के साथी बूथ स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर अलग अलग कमेटियां बनाकर चुनाव मैदान में हम उतरेंगे और निश्चित रूप से इन निकाय और नगर परिषद नगर निकाय चुनाव में फतेह हासिल करेंगे और कांग्रेस का वोट बनाएंगे। और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में समूचे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से कांग्रेस मजबूत होगा। इसी परिप्रेक्ष्य का संकल्प आज जब कांग्रेस सेवा दल ने पारित किया है और सभी कांग्रेस को मजबूत करने के लिए जुट गए। चाहे हिंदुस्तान की आज़ादी के पूर्व का सेवा दल हो चाहे वर्तमान का सेवा दल, एक समय था जब हम लोग अंग्रेजों के अधीन थे और उस समय कांग्रेस सेवा दल ने इस देश की जनता के लिए लड़ाई लड़ी। और आज उस समय जो अंग्रेजों के पिट्ठू हुआ करते थे, कहीं ना कहीं इस देश को वही लोग देश